Hey guys, welcome back to another video. Poco ने अपना एक लेटेस्ट स्मार्टफोन लॉन्च किया था, Poco C55, और वहीं पे Realme ने भी अपना एक स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है, Realme C55। सो इस दोनों स्मार्टफोन के अंदर सबसे बेस्ट स्मार्टफोन कौन सा है, कंपैरिजन करने वाले इस वीडियो के अंदर। सो सबसे पहले अगर Realme की बात करें तो Realme के स्मार्टफोन के अंदर हमें 6.7 इंच की 90 GHz रिफ्रेश रेट के साथ IPS LCD पैनल के साथ डिस्प्ले देखने को मिलती है, और Poco के अंदर 6.7 इंच की हमें HD+ डिस्प्ले देखने को मिलती है। सो गाइस यहां पे फुल HD के साथ Realme C55 बाजी मार जाता है। चिपसेट की अगर बात करें तो गाइस Realme के स्मार्टफोन के अंदर हमें MediaTek Helio G88 देखने को मिलता है, एंड Poco के स्मार्टफोन के अंदर MediaTek Helio G85 देखने को मिलता है। हालांकि दोनों चिपसेट के अंदर कोई ज्यादा फर्क नहीं है, बट गाइस यहां पे Realme के चिपसेट के अंदर बाजी मार जाता है। फिर रैम एंड स्टोरेज की बात करें तो दोस्तों यहां पे Realme की तरफ से हमें 4GB, 6GB, 8GB तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं, और Poco वाले के अंदर हमें 4GB और 6GB दो ही रैम वेरिएंट देखने को मिलते हैं। कैमरा मॉड्यूल की बात करें तो गाइस Realme के स्मार्टफोन के अंदर 64MP प्लस 2MP डुअल कैमरा सेटअप, एंड Poco के अंदर 50MP प्लस 2MP डुअल कैमरा सेटअप। हालांकि कैमरा क्वालिटी दोनों स्मार्टफोन के सेम सी है, कोई ज्यादा डिफरेंस हमें नहीं देखने को मिलता। Realme के स्मार्टफोन के अंदर 8MP का फ्रंट पे कैमरा देखने को मिलता है, Poco के स्मार्टफोन के अंदर 5MP फ्रंट पे कैमरा देखने को मिलता है। तो यहां पे भी कोई ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है, बट गाइस फिर भी कैमरा के मामले में अगर बात करें नंबर वाइज तो Realme C55 आगे निकल जाता है। 5000mAh की बैटरी दोनों स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिलती है, बट Realme के अंदर 33W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलता है, और Poco के अंदर 10W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलता है। Realme के अंदर Android 13 के लेटेस्ट अपडेट के Realme UI लेटेस्ट अपडेट के साथ हमें देखने को मिलता है, एंड Poco के अंदर हमें Android 12 के साथ देखने को मिलता है MIUI के लेटेस्ट अपडेट के साथ। सो यहां पे Realme भी आगे निकल के जाता है सॉफ्टवेयर के मामले में भी। डिस्प्ले की अगर ब्राइटनेस की बात करें तो 680 nits पीक ब्राइटनेस हमें देखने को मिलता है, यानी 680 nits पीक ब्राइटनेस। Poco स्मार्टफोन के अंदर 534 nits पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है, तो Realme यहां पे भी आगे निकलता है। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो Realme आगे निकलता है, तो स्कोर के अकॉर्डिंग है। लुक एंड डिजाइन के अंदर दोनों स्मार्टफोन काफी ज्यादा प्यारे। फाइनली प्राइसिंग की अगर बात करें तो बेस वेरिएंट जो Realme C55 का है वो हमें देखने को मिलता है 11,000 रुपए के, और Poco का जो बेस वेरिएंट है वो हमें देखने को मिलता है 9,500 रुपए के अंदर। कुल मिला के अगर बात करें तो यहां पे 1500 रुपए का डिफरेंस है, और ये डिफरेंस जायजा बिल्कुल ही ज्यादा, बिकॉज यहाँ पे स्पेक्स के अंदर हमें भर भर के डिफरेंस देखने को मिलता है। सो 1500 के हिसाब से अगर आप मानो या मुझसे पूछो तो आप Realme की तरफ जा सकते हो। Realme C55 वन ऑफ द बेस्ट डील है इन दोनों स्मार्टफोन में से। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।